प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का यह तीसरा लेक्चर है। हम लोग डीएनए पॉलीमरेज और उससे आगे का काम जो था कंपेयर किया था हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज के साथ, वो काम हमारा हो चुका है, अब उससे आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग आरएनए पॉलीमरेज पर ही विशेष चर्चा करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज के विभिन्न स्वरूपों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में तो देखा था, आज हम लोग उससे आगे बात बढ़ाएंगे। सबसे पहले कि जो हम लोग ई कोलाई में पढ़ रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, ई कोलाई में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग आरएनए पी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सिग्मा फैक्टर प्लस फोर फैक्टर्स मिलकर बना होता है। फोर फैक्टर्स के जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है अल्फा, दो सब यूनिट, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, जो कि बहुत कम सिग्निफिकेंट है, ये सभी इसमें मौजूद रहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बहुत यूनिक तरीके से काम, क्योंकि इसको कोई प्राइमर नहीं चाहिए, 5-3 डायरेक्शन में काम करता है, बट इसके पास नहीं होता है, नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता ये, तो 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, न्यूक्लियस एक्टिविटी, ये काम ये नहीं कर सकता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान में ये काम ये नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये काम ये नहीं कर सकता है तो इससे क्या असर पड़ेगा कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज में क्या था, डीएनए पॉलीमरेज वहीं पर प्रूफ रीडिंग भी करता था और उसको 3-न्यूक्लियस एक्टिविटी से ठीक भी करता था। जैसे कि अगर एक नया डीएनए बन रहा है, ये इसका 3-OH इंड होगा और ये इसका 5-फॉस्फेट इंड होगा, अगर यहां पर कोई एक एरर हो जाए तो क्या होता था कि डीएनए पॉलीमरेज में ये एक्सोन्यूक्लियस साइट पर पहुंच जाता था और वहां पर एक एंजाइम होता था जिसे हम लोग बोलते थे 3-5, मतलब ये एक्टिविटी होती थी डीएनए पॉलीमरेज की, और ये इसको यहां से क्या करता था, काटकर हटा देता था। तो ये जो कैपेसिटी थी वो डीएनए पॉलीमरेज में हुआ करता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में ये कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का बहुत ज्यादा वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग रेट ऑफ एरर देखें, क्या रफ्तार में आरएनए के बनने दरमियान में गलतियां होती हैं, तो 1 error per 10^4 to 10^5 राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, मतलब लगभग 10,000, एवरेज में समझिए 10,000 में एक गलतियां ये करता है। और ये जो रेट है ये रेप्लिकेशन की तुलना में बहुत हायर है। ठीक है, द रेट ऑफ एरर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इज हायर देन इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की तुलना में आरएनए में एरर ज्यादा होते हैं। तो मन में एक सवाल आएगा किसी विद्यार्थी का, जब आरएनए बनने में ज्यादा एरर होता है तो फिर इसमें प्रूफ रीडिंग भी ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आरएनए कॉपी है। आरएनए क्या है, आरएनए एक ट्रांसक्रिप्ट है डीएनए। सो डीएनए
इसका हम लोग कहते हैं कि बिकॉज आरएनएज आर ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑन द डीएनए डीएनए सो दे कैन बी कैन छूट गया कैन बी ट्रांसक्राइब्ड वंस एंड अगेन पहला किसको हम लोग बार बार बना सकते हैं डीएनए क्या है बार बार नहीं बना सकते एक बार आपने एस फेज में डीएनए बना लिया अब वो पूरे सेल साइकिल में वही काम करेगा बट आरएनए का क्या होता है आरएनए हमेशा बनते रहता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आरएनए में मान लो कि हम लोग कोई अगर सोचो एक चाइनीज घड़ी खरीदते हैं 1000 रुपये की उसमें कुछ गड़बड़ी होता है हम लोग क्या करते हैं उसको दुकान पर ले जाते हैं दुकानदार देखता है बोलता है सर अब इस घड़ी को बनाने का कोई मतलब नहीं है क्यों भाई क्यों मतलब नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा सर चार्ज उतने में नई घड़ी आ जाएगी या फिर कहेगा कि नहीं सर ये तो बेकार है अब इसको तो 1000 की घड़ी में आपको 1500 रुपया खर्चा होगा तो क्या कोई उस घड़ी को बनवाना चाहेगा कभी नहीं बनाना चाहेगा इसी तरह से क्या होता है कि आरएनए में जब गड़बड़ी होती है एरर होता है तो उसको ठीक करने में आरएनए को बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उससे कम एनर्जी में आरएनए नया कॉपी बना लेगा डीएनए पर तो कौन ज्यादा बढ़िया हुआ जिसमें कम एनर्जी लगा एक्यूरेसी भी आया इसीलिए ये बार बार ट्रांसक्राइब कर सकता है अच्छी कॉपी को पाने के लिए ठीक है और एरर जो डीएनए है एरर आरएनए आरएनए आर डिग्रेडेड और इसको लोग डिग्रेड कर देते जो सेल है वो डिग्रेड कर देता है इस तरीके से एनर्जी बैलेंस के कारण हम इस घटना को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों उतने रिपेयरिंग नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज्यादा रिपेयरिंग नहीं होता है क्योंकि आरएनए को रिपेयर करने में जितना खर्च होगा उससे कम खर्च में नया आरएनए बन जाएगा तो ये काम होता है लेकिन छोटा मोटा अगर गड़बड़ हो ठीक है और स्मॉल एरर्स अगर छोटे मोटे गड़बड़ियां हो छोटी मोटी गड़बड़ियां हो तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयरिंग होता है डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयरिंग क्या होता है देखो आरएनए बन रहा है 5-phosphate to 3-OH इसे हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है अभी इसमें एक एरर आके जुड़ जाए ये ब्लैक वाला क्या है एरर है हम लोग कहते हैं भाई ये तो एरर आ गया अब जब एरर आया तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है ये ब्लू वाला जो है वो क्या है आरएनए पॉलीमरेज इसने देखा कि ये एरर आ गया ये यहीं पर रुक जाएगा पहला क्या करेगा हॉल्ट और फिर क्या करेगा रिवर्स जैसे ही ये रिवर्स करेगा टाइम मशीन की तरह वैसे ही ये टुकड़ा क्या होगा टूटकर बाहर आ जाएगा और जैसे ही ये बाहर आ गया वैसे ही फिर से क्या करेगा रिपेयर कर देगा तो ये जो डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयरिंग होता है उसमें हॉल्ट रिवर्स एंड रिपेयर होता है ये छोटा मोटा काम के लिए कर लेकिन अगर बहुत ज्यादा एरर हो तो फिर यह उस आरएनए को डिग्रेड करके नया आरएनए बना लेता है अब जो है हेडिंग वह है कैटालाइटिक साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज अभी एक हेडिंग हो गया कैटालाइटिक साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
आरएनए पॉलीमरेज के कैटालिटिक साइट पर क्या हो, आरएनए के पॉलीमरेज के कैटालिटिक साइट पर नए आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ये सामान्य सी बात यही है। तो ये जो कैटालिटिक साइट होता है इसके सिग्निफिकेंस में अगर हम एक देखें, उसी तरह से जैसे डीएनए पॉलीमरेज के लिए देखे थे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज बनाए थे उसी तरह से एक डायग्राम बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज से दो मैग्नीशियम या दो जिंक आयन जुड़े रहते हैं। गोल कर दिया, यहां पर भी एक मैग्नीशियम आयन जोड़ दिए, दो मैग्नीशियम आयन को यहां पर जोड़ रहे। बट ये मैग्नीशियम आयन किसके साथ जुड़ेंगे? इस मैग्नीशियम आयन को जुड़ने के लिए स्पार्टेट होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। ये स्पार्टेट तीन स्पेसिफिक पोजीशन पर मौजूद रहता है। अगर उसका नंबरिंग हमें करना हो तो ये हो गया 462, ये हो गया 464 और ये हो गया 460। तो आप सीरियल में बोलिएगा कौन पहले आ गया सर, 462 एंड 464। तीन ऐसे स्पार्टेट हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर, 460वां पोजीशन, 462वां पोजीशन और 464वां पोजीशन। ये जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं फॉस्फेट एट न्यूट्रल पीएच, तो ये इस मैग्नीशियम आयन के साथ ऐसे आयनिक इंट्रैक्शन करते हैं। ये जो मैंने रेड लाइट दिखाया है ये है आयोनिक इंटरैक्शन, ये आयनिक इंटरैक्शन करता है। इस आयनिक इंटरैक्शन के कारण क्या फायदा है इसको? ये फायदा है कि ये प्लस जो चार्ज है मैग्नीशियम आयन पर वह एंजाइम के साथ जुड़ा रहे। जब आरएनए पॉलीमरेज और मैग्नीशियम आयन दोनों साथ में जुड़ा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस टू मैग्नीशियम आयन, इसे हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें दो मैग्नीशियम आयन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही चीज यहां डायग्राम में दिखा रहा है, दो मैग्नीशियम आयन जुड़ा हुआ है। अब क्या है, कोई अगर न्यूक्लियोटाइड इसके साथ आ रहा है, मान लो कि एटीपी आ रहा है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक फॉस्फेट यहाँ, ऑक्सीजन फॉस्फेट, ऑक्सीजन फॉस्फेट, ये सब तो सबको हम सिखाए हुए हैं। आप जो बेसिक लेक्चर्स है उस लेक्चर्स में जाकर इसे देख सकते हैं। ओके, और ये जुड़ा हुआ है राइबोज सुगर के साथ, और राइबोज सुगर पर जुड़ा रहता है मान लो कि एडेनिन, चूंकि हम एटीपी बना रहे हैं ये एडेनिन जुड़ा हुआ है, ये पूरा हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये राइबोज सुगर, ये हो गया राइबोज, और 5' पर 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब जब यह इस एंजाइम के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो आप चार्ज देख रहे हैं उस चार्ज के साथ इसका कोऑर्डिनेशन रहता है, आयनिक इंटरैक्शन देख रहे हैं, यह आयनिक इंटरैक्शन की मदद से इसको अपने पास खींचता है। इस प्रकार से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड इस एंजाइम में प्रवेश करता है
उसको भी ये थोड़ा सा इंट्रैक्ट करके रखता है ताकि प्रॉपर तरीके से चीजें जुड़ सके। ठीक है, हम लोग इसका नाम भी कहते हैं, ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है और ये गामा फॉस्फेट है। हम सब ये भी जानते हैं इसमें कि गामा और बीटा ये टूटकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जो आरएनए के साथ जोड़ा जाएगा वो सिर्फ ये हिस्सा जोड़ा जाएगा। ये सब बड़ा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जो आरएनए में जोड़ा जाएगा वह इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ा जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, और ये दोनों क्या होता है, टूटकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कैटलिटिक साइट पर जो एक दिखता है, जो व्यवस्था जो दिखती है व्यवस्था, वह इस प्रकार से होती है। अब ये जो दो मैग्नीशियम आयन और स्पार्टेट और पूरा आपने कॉम्बिनेशन देखा है, तो जो एक मैग्नीशियम आयन है, वन मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है आरएनए में, एक बार हम उस प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बोल रहे होते हैं लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में वो डायग्राम बनता नहीं। अब देखो, ये टेम्पलेट और ये नॉन टेम्पलेट। टेम्पलेट वो है, या हम उल्टा कर लेते हैं, ये नॉन टेम्पलेट मतलब इस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जो टेम्पलेट है उस पर ट्रांसक्रिप्शन, इस पर कोडिंग्स किए हुए हैं सब, एटी जीसी जो भी कॉम्बिनेशन हो उस कॉम्बिनेशन में ये खुला हुआ, इसको आई या बबल कहते हैं हम लोग। और इससे एक दो तीन चार पांच छह, ये एक नया आरएनए जो बन रहा है वो इस पर ऐसे बन रहा है, ठीक है। इस पर आप देखोगे ये हो गया 5-phosphate और ये हो गया 3-OH। अब मान लो यहाँ T है तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर जो नया सेगमेंट आएगा वो क्या आएगा, A आएगा। तो ये जो 3-OH है इस पर एक नया, तो A जब आने वाला होगा यहाँ पर क्या अगर जुड़ेगा, ATP जिसके साथ 3-phosphate है वो यहाँ पर एंजाइम की मदद से आएगा। जो 3-phosphate वो कौन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा फॉस्फेट की मदद से यहाँ पर ये जोड़ दिया जाएगा और बीटा गामा जो है वो बाहर निकल जाएगा और फर्दर वो हाइड्रोलाइज होके दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो जोड़ा गया उस जोड़ने में, इसको जोड़ने में मैग्नीशियम आयन का रोल देखा जाता है, इसलिए इसको क्या लिखता है, इट फैसिलिटेट्स, ये सुविधा प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है सुविधा, अटैक बाय द OH 3-OH ऑन अल्फा फॉस्फेट ऑफ RNTP राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इस पर इसके अल्फा फॉस्फेट पर अटैक करने में इसको मदद। अगर इसको प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में हम देखें तो उसको हम कैसे देखते हैं, देखिए अभी वही जो एक डायग्राम वहां पर आए थे उसी तरह का एक डायग्राम हमको यहां पर बनाना होगा। जब विद्यार्थी का समझा होता है तो विद्यार्थी धड़ाधड़, मान लो एडनीन हमने रखा था एडनीन ही, तो अच्छे से मजे लेकर इसको बनाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा इन सब रिएक्शंस का थोड़ा सा प्रयास, रिएक्शन का अभ्यास आप जरूर करें।
ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट, ये गामा फॉस्फेट, ये नया है, ठीक है, नया आरएनटी है। और जो आरएनए का चेन है उसको भी बना देते हैं, ठीक है, ये नया आरएनए की जो बन रहा है उसका ये चेन। अब देखिए ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इधर 5' फॉस्फेट है इसके और इधर OH है, ये OH जो है वो 3'। अब इस OH पर तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस फॉस्फेट पर यहां पर इस साइड से अटैक करता है, इस साइड से नहीं, इस साइड से अटैक करेगा तो यहां से टूट जाएगा, इस साइड से अटैक करेगा तो यहां से टूट जाएगा। अब रिजल्ट इसका क्या हुआ, तो रिजल्ट ये हुआ, ये जो गामा और बीटा फॉस्फेट है वो टूटकर बाहर निकल जाएगा। अब ये जब टूटकर बाहर निकला, निकाल देते हैं बाहर, ये इस तरह से निकल गया, चलो बीटा गामा साइड। अब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अब इससे जुड़ेगा, ये वाला फॉस्फेट इससे जुड़ेगा। अब इस फॉस्फेट को नीचे वाले को भी हटाकर हम ऊपर इसको लाते हैं जोड़ने के लिए। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये जो फॉस्फेट था अल्फा फॉस्फेट, यही अल्फा फॉस्फेट, वो आके यहां जुड़ गया, ठीक है, और ये CH2, ये हो गया सुगर और ये हो गया एडनोसाइन, ये आकर इस तरह से नया वाला जो है वो आकर जुड़ गया। अब इसका फिर यहां पर क्या है, 3'OH, 5' पर तो ये फॉस्फेट से जुड़ गया, 3'OH पर फिर से ये रेडी हो गया, फिर नया आएगा, फिर वो यहां जुड़ेगा। इस प्रकार से ये टोटल रिएक्शन जो होता है वो कंडक्ट होता है। एक मॉडलिंग किया जाता है इसको, पूरा घटना को, पूरी घटना को इसके साथ एक आरएनए पॉलीमरेज के साथ इसको दिखाने के लिए मॉडल बनाया जाता है। हम भी मॉडल का उपयोग कर रहे हैं और देखिए इस तरह से अलग अलग साइट्स को डायग्राम जरूर बनाए। थोड़ा हम रंग भी दे रहे हैं ताकि आपके मेमोरी पर अच्छा एक रहे इफेक्ट। और आप लोग से ये गुजारिश है कि आप अपना पेन मेरे साथ चलाएं, आप बहुत ज्यादा पेंटिंग ना नहीं करें, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल पेन है तो इसमें सुविधा है कि हम झटपट पेंटिंग कर सकते हैं। अब यहां से आरएनए चला, अब डीएनए खुलना शुरू हुआ, ऐसे कर ठीक है, ये जो एरिया है यहां पर तो ये खुल गया। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं बबल, बबल और आई, बबल और आई वो जगह है जहां पर डीएनए मेल्ट करता है और वो खुल जाता है। और अब ये देखिए ये हो गया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3'OH। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड।
आरएनए डीएनए हाइब्रिड या स्ट्रक्चर हो गया। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये नया ट्रांसक्रिप्ट है जो यहां पर आ गया। इसका कोडिंग नहीं हो रहा है तो ये हो गया एनटी, नॉन स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट। इसका हो रहा है ये टी कहलाया, मतलब टेम्पलेट कहलाया। अब जब कोई भी ये खुलेगा, क्वाइल करेगा, तो उसमें कुछ तो क्वाइलिंग डेवलप होगा। ये जो गोल गोल घूम रहा है उसे हम लोग क्वाइलिंग कह रहे हैं। यहाँ नेगेटिव सुपर क्वाइल है और ये पॉजिटिव सुपर क्वाइल है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको समझना चाहिए। कई तरह के टिपिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए जाते हैं, आपको इन स्ट्रक्चर्स का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये एक पीछे जो का जो पूरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो है डीएनए पॉलीमरेज। और कैसे ये बबल डबल खुलकर क्वाइलिंग श्वाइलिंग दिख रहा है, और ये एक्चुअल इसका स्टेटस रहता है आरएनए पॉलीमरेज पर। एक आरएनए पॉलीमरेज उसको घेरे रखता है। ये सभी आपके सहूलियत की बातें होती है। एक रीजन होता है इसमें प्रोमोटर, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत करना है। प्रोमोटर रीजन जो है वो है कि डीएनए पॉलीमरेज binds to the promoter region which comes before the start point se pehle aata hai and help to recognize the correct gene for the transcription, कौन सा जीन किस प्रोटीन के लिए है, वो तो सब जगह अलग अलग है, उसको भी ये पहचानने में मदद करता है। और जो प्रोमोटर वेरीज from varies for different genes, अलग अलग genes के लिए अलग अलग promoter में ये sequences देखे जाते हैं। फिर आता है RNA DNA hybrid, हम लोग यूज किया था RNA DNA hybrid। तो जितने देर में वो transcription होता है उतने देर में DNA और RNA पर एक बेस pairing तो होता ही है। इस डायग्राम आपने देखा होगा, ये जो लोकेशन है, चलो आरएनए डीएनए हाइब्रिड कह रहे हैं, ये लगभग 8 to 9 बेस पेयर्स होते हैं, 8 से 9 बेस पेयर के बीच में होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन बबल या आईज, दोनों टर्म यूज किया था, बबल और आईज, ये जो होता है ना, ये लगभग 17 बेस पेयर लंबा होता है। मतलब इस डायग्राम यहां से देख रहे हैं कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक लगभग 17 बेस पेयर है।